बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगिनर्स, और आज का हमारा टॉपिक है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। आज के टॉपिक में हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे। तो टूल्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, हमें दो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक पाइथन ख़ुद जिसे हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और साथ में हम कोई से भी आईडी यूज़ करना है। लेकिन हम इस अपने कोर्स के अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पाइथन जो अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है या कोड एडिटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप फुल फीचर्ड जो एनाकोंडा एक आईडी है कंप्लीट विद लाइब्रेरीज के साथ वो यूज़ करें। लेकिन खैर, हमारा तो विजुअल स्टूडियो कोड लाइट वेट है ख़ुद, तो हम इसको इसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आया मैं। डाउनलोडिंग बिल्कुल सिंपल है, आप सिंपल लिखें पाइथन, आप पास पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। आप इसको ओपन करें तो सामने ही दिया हुआ है, इसमें डाउनलोड सेशन दिया हुआ है। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करें और यहाँ लिखा होगा पाइथन 3.8.3, इसके लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर लेते हैं, और हम विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हम विंडोज़ वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मैक पे काम कर रहे हो या लिनक्स पे काम कर रहे हैं। क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, उसी हिसाब से ये डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग करेगा। ये पाइथन कंप्लीट हो गया है। अब हम इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। गूगल में सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारे पास आ गया code.visualstudio.com। इसको भी एक न्यू लिंक ओपन करते हैं, और डाउनलोड फॉर विंडोज़ ही करना है इसको हमने, और लेटेस्ट वर्जन यहाँ दिया हुआ है तो इसी को क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी कुछ टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड के मुताबिक, ये भी टाइम लेगा इसमें, तो इसको इंस्टॉल होने डाउनलोड होने दे देते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कम्प्लीट हो गया, अब आइए इंस्टॉल करते हैं इसको। आप देखिए ज़रा, जब पाइथन 3.8 इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा इशू आ रहा है, ये सर्विस पैक 1 रिक्वायर्ड कर रहा है और इसके अलावा कई सारे अपडेट्स और चाहिए। लेकिन अगर इसको आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 पे चलाएंगे तो इशू नहीं आएगा। तो ये काम कर लेते हैं, एक वर्जन थोड़ा पुराना यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो अब एक काम रहे, यहाँ जैसे हम पाइथन में आए हैं तो यहाँ हम ओल्डर वर्जन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ डाउनलोड्स में आ गए, यहाँ लिखते हैं व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए सर, यहाँ पे आएगा ये पाइथन 3.7, जैसे ओल्डर वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आप, 3.8, 2.7, 3.7, आप इसको सेम डाउनलोड कर लें तो ये कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मैंने, तो ये मेरे पास 3.7.0 डाउनलोड किया, इसको इंस्टॉल करता हूँ। डबल क्लिक किया इंस्टॉल, अच्छा यहाँ पे ऐड पाइथन 3.7 to path पे ऐड करना है ताकि हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट या कोई भी चीज़ है ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट हो सके इससे। पर क्लिक करना है आपने इसको, यस। अब ये पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, ये एक दो मिनट ले सकता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन एक दो मिनट तो थोड़ा सा लेगा ही लेगा ये। आप देखिए पाइथन हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, यहाँ से क्लोज करते हैं इसको। और पाइथन अब यहाँ सर्च करते हैं अपने इसमें स्टार्ट मेन्यू में, देखिए पाइथन आप पास आ रहा है आईडी। पाइथन आपको खुद भी बता दे रहा है, आपको छोटा सा बेसिक किस्म का आईडी ही देगा आपको। ये देखें ज़रा, पाइथन शेल की फॉर्मेट दे रहा है, ट्रिपल एरो इस तरह आए तो मतलब पाइथन चल रहा है ये। आप फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने कोडिंग कर सकते हैं, और कोडिंग चाहे डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं आप। लेकिन हमें आईडी इंस्टॉल करना है तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ डबल क्लिक किया इसके ऊपर मैंने, रन पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डेस्कटॉप कंक्रीट करना चाह रहे हैं, इसको वेट करना है, इसको वेट करना है, और इसको रजिस्टर भी करना है ताकि तमाम तरह फाइल सपोर्ट को हमारे पीस को सपोर्ट कर सके ये। नेक्स्ट और इंस्टॉल।
लॉन्च विजिट रिकॉर्ड चाहे तो यहीं से लॉन्च कर लें या तो फिर आप सेपरेटली लॉन्च करें इसको, दोनों से तुम्हें कर सकते हैं। देखें पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ये आ गया। अब पाइथन देखें आप कई तरीक़ों से इसमें रन कर सकते हैं। एक पाइथन देखें ज़रा यहाँ पे आ गया 3.32 बिट, ये है पास, ये देखें यहाँ डोज इसमें कमांड प्रॉम्प्ट की तरह आ रहा है, ट्रिपल एरोज आ रहा है, मतलब पाइथन रन हो सकता है इसमें। इसी तरह विजुअल स्टूडियो कोड रन करेंगे ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड हमारा रन हो गया। इसमें हम क्या करना होता है, आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू फाइल क्लिक करें तो आप पास यहाँ पे ये आ जाएगा। इसमें एक काम करते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल मतलब कि जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है उसकी तरह। अब मैं लिख देता हूँ पाइथन, आप देखें जरा पाइथन लिखा, देखें जरा अब यहाँ पर ट्रिपल एरोज आ गया, मतलब इसमें पाइथन रन हो रहा है। इसमें जैसे कि 5 प्लस बेसिक सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, 5 प्लस 6 इंटर देखिए कैलकुलेट भी कर रहा है ये। तो पाइथन हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पाइथन में एक बेसिक कोडिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एनी क्यूरी और सजेशन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस ऑन फॉलोइंग कॉन्टैक्ट्स 0303-250-6973। यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और यू कैन राइट अ कमेंट इन वीडियो कमेंट सेक्शन।